अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो व्यूवर्स? ठीक हो? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैफ दुरानी। तो कैसे हैं मिजाज आपके? एक तो आपसे गुजारिश है कि जैसे आप वीडियोस को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। तो आज जो व्लॉग बना रहे हैं ना, हमने आपको दिखानी है एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फसल के लिए, काश्तकारी के लिए। क्यों? जो इसके ऊपर जो हमने एक स्प्रे की थी ना परसों, हाँ तकरीबन परसों ही की थी, तो स्प्रे का असर कोई खातिर खा हुआ नहीं। तो उसी को हम दोबारा देख रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं। उसका ये हुआ है कि ना, जिस मकसद के लिए की थी हमने स्प्रे, उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? इसके ऊपर लगा हुआ था कीड़ा जो इसके फूल को मुतासर करता है, फूल को मुतासर करता है, फिर फली नहीं बनती। तो वो उसको देख के हमने स्प्रे करवाई। स्प्रे भी इस दफ़ा हमने नई ली थी, मतलब जो पहले करवाते हैं वो नहीं ली हमने, एक और चेंज किया। हमने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा ये जो तजर्बा था ये नाकाम रहा है। जो अब चेंज किया है ना, उसका कोई इतना खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि कल तो हमने देख रहे थे इसको, यहाँ पर कोई 1% भी उसका रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे जो मतलब कीड़ा था वो वहीं का वहीं वैसे का वैसे खड़ा है। वो क्या करता है, जो इसकी फली बनी हुई है या जो इसका फूल है, पहले तो इसके फूल के अंदर घुस जाता है, उस फूल को ख़राब करेगा, फूल से फली बनने ही नहीं देगा। खुदा ना खास्ता अगर बन भी गई तो वो क्या करता है, उस फली के भी अंदर घुस जाता है। उस फली के अंदर जो बनता है ना तिल, उसको जाके डैमेज करते हैं। तो कल हमने थोड़ी सी नज़र दौड़ाई, ऐसे देखा तो उसका कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं था। तो फिर हमने उनसे रब्ता किया, हमने कहा हमें हमारे पैसे वापस किए जाएं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप 3 दिन वेट करें, 72 घंटे। तो आज इसका तीसरा दिन है, 3 दिन इसको पूरे हो गए हैं। अब देख रहे हैं जो कल वाली पोजीशन है वो आज भी वही पोजीशन है या कोई फ़र्क है। मतलब कल भी यही जगह थी जो हमने यहाँ पे देखा था उसको कीड़ा, अभी देख रहे हैं आज कोई इतना ख़ास अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। चलो उम्मीद करते हैं कि ना हो और हमारा तिल महफूज रहे। आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखें आप, ये फली है ना, ये देखें फली के अंदर सुराख किया उस, इसके अंदर गया होगा उसने, इस तरह से अंदर से सारा सामान खा खू के वो चल गया। देख लिया ना आपने, एक ये था, एक और मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे नज़र आ जाए ना कहीं। तो देख रहे हैं कहीं इतना फ़र्क नज़र तो नहीं आ रहा, मतलब कल से तो काफ़ी फ़र्क है, कल बहुत ज़्यादा था। तकरीबन हाँ मैं हर चौथे पांचवे बूटे पे ना मिल रहा था कीड़ा, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहा। या शायद इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरा तवज्जो तकरीबन ना व्लॉग बनाने में है। कल तो मैं ऐसे देख रहा था ना, इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। तो चले देखते हैं, अगर होगा तो सामने ज़रूर आ जाएगा। एक चीज़ होती है ना वो सामने आ ही जाती है, जो नहीं होती वो नहीं होती। तो एक तो आपको दिखा दिया ना उसने फली को कैसे मुतासर किया है, उसके अंदर सुराख करके उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर से वो उसका फल खा के फिर वहाँ से वो दूसरे पौधे की तरफ बढ़ता है। ये नहीं कि वहाँ से खा खू के ख़त्म, नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसलिए इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको भी बताता चलूँ कि इसके लिए स्प्रे करना ज़रूरी होता है। यही चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है ना। ये देखा करें आप, और जो लोग न्यू आते हैं वीडियोज़ देखते हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको ऐसी मालूमात देते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप देखें ना, इस स्टेज पे ना हमें रोज़ ही तकरीबन इसके अंदर घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे इसने फल बनाना है। अब इसी इधर से इसको हमने इसको पानी वगैरह नहीं देना, अब इसको लगनी स्प्रे, क्योंकि जो फल बना हुआ है ना इसके अंदर अब फल आएगा तो उसको अब डैमेज करेगी अगर ये कीड़ा लगा हुआ है। फिर हम ऐसे अगर बैठे रहे घर और इसको ना देखा रोज़ की बुनियाद पर, तो फिर वो ज़ाया कर देगा इसको, फिर इसमें मतलब ये होगा कि वज़न नहीं रह जाएगा,
वज़न नहीं रहेगा तो फिर कैसे फिर हिसाब बनेगा, समझ सकते हैं आप लोग। तो बहरहाल अब तक जितना जायज़ा लिया है यहाँ से उधर से घूम के आए, इधर भी आ गए हैं, साथ साथ व्लॉग भी बना रहे हैं और देख भी रहे हैं चार आँखों से, क्योंकि दो आँखें कैमरे की हैं, दो मेरी है, तो चार आँखों से तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। तो आपको तो वैसे कुछ नज़र नहीं आया, एक तो मैंने आपको दिखाया वहाँ से जो फली के अंदर वो उसने सुराख किया हुआ था, वहाँ से वो जनाब जा चुका था खा खू के, मतलब पेट फूल करके, पता नहीं अब किस टाइम खाया उसने, कल खाया आज खाया, मेरे ख्याल से आज तो इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, शुक्र है अब तो काफ़ी फ़र्क है। बाकी अल्लाह खैर करे, देख रहे हैं ताकि मज़ीद इसमें इजाफा ना हो इसकी बीमारी में। यहाँ से बाहर निकलते हैं, कैसे फिर हमारे पैरों को नीचे आ रहा, नुकसान हो रहा है इसका, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे मज़ीद इसके लिए कौन सी अच्छी स्प्रे करनी चाहिए, जो कर चुके हैं वो भी आपको पहले बता चुके हैं, तो मज़ीद भी आपको बताते रहेंगे। आप साथ रहें, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह नेगेबान, खुदा हाफिज़।